गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर SBIPO, आज आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक लेकर आया हूँ। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स चल रहे थे, काफ़ी अटकलें चल रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे तो काफ़ी समय से इस तरह का वीडियो हम नहीं लेकर आए हैं, स्पेशली मैंने आपके लिए काफ़ी समय से इस तरह का वीडियो नहीं अपलोड किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल जो YouTube पे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं मेंस और प्री के, उसी में टाइम निकल जाता है, या अनअकैडमी पे जो मेरे सेशंस रहते हैं उनमें ज़्यादा टाइम निकल जाता है। पर ये न्यूज़ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन है, एक बहुत ही कॉन्क्रीट एक्शंस लिए गए हैं अभी अभी RBI द्वारा, तो बहुत ज़रूरी है कि हम बात करें कि इसका इम्पैक्ट आप लोगों पर क्या पड़ने वाला है, जो बैंकिंग रिक्रूटमेंट्स है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सारी बातें डिटेल में करेंगे। अब वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अननेसेसरी नेगेटिव कमेंट्स मत लीव कीजिएगा। आपको कोई भी व्यूज गेन करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है दोस्तों, मत टेंशन लीजिए। अभी वैसे भी इकोनॉमी इतना स्लो है कि व्यूज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, ठीक है। तो व्यूज के लिए नहीं है, सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्म रखने के लिए मैंने ये सेशन आज तैयार किया है आपके लिए। इसलिए मैं सेशन ला रहा हूँ जैसे कि आप लोग भी थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड फ्रेम में जा सकें, क्योंकि बहुत इजी है यार, इतने समय से हम लॉकडाउन पे, सेकंड फेज सेकंड लॉकडाउन हमारा अब चल रहा है, 3 मई तक है एक्सटेंडेड, तो बच्चों को हो जाती है, स्टूडेंट्स को हो जाती है, नेगेटिव माइंड फ्रेम में आ जाते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा भविष्य का, फ्यूचर कैसा रहेगा, अभी तो लॉकडाउन 3 मई को कंप्लीट होगा, उसके बाद इकोनॉमी पे इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे कि इंटर्न बैंकिंग रिक्रूटमेंट्स में कितना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हमारे जिनका लास्ट ईयर है, वो स्पेशली ज़्यादा परेशान है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो परेशान मत होइए, ये सेशन पूरा देखिए और कोशिश कीजिए इसमें से ज़्यादा पॉजिटिव थिंग्स आप लेके जा सके और अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट कर सके। प्रिपरेशन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे सारी बातें मैं सेशन के अंदर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन है रिगार्डिंग पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन बैंकिंग सेक्टर। तो दोस्तों कुछ दिन पहले ही, टू बी प्रिसाइज परसों, RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और कुछ नए सेट ऑफ कंक्रीट एक्शंस यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की बात की। ऑलरेडी पहले रेपो रेट को उन्होंने डिक्रीज कर ही दिया था, साथ ही साथ 3 महीनों का जो मोरेटोरियम था EMIs पे, लोन्स पे, उसकी बात इंप्लीमेंट कर दी गई थी। अब ये जो सेकेंड है, ये जो सेकेंड सेट ऑफ एक्शंस है, इसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देने को मिली वो है रिवर्स रेपो रेट को नीचे करना। अब रिवर्स रेपो रेट कितना नीचे किया गया, पहले रिवर्स रेपो रेट आपका था 4%। अब जितने भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है, इस ड्यूरेशंस में क्या क्या डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स आपको सामने आ रही है, वो सबको तैयार करके जरूर रखिएगा। जो जो चीजें, जैसे मैं सेशन में भी जो जो टेक्निकल टर्म्स के बारे में बताऊं, उनके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। ये सिर्फ मेंस में काम नहीं आएगी, आगे आप जब इंटरव्यू देंगे उसमें भी काम आएगी। और ऐसा मत बोलिएगा सर एग्जाम ही नहीं होगा, तो क्या सब एग्जाम होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस पूरी बातें सुनते जाइए शांति से। 4% से रिवर्स रेपो रेट डाउन करके 3.75% कर दिया, मतलब 25 बेसिस पॉइंट डिक्रीज किया। अब यार रिवर्स रेपो रेट का हमारे बैंकिंग रिक्रूटमेंट से क्या रिलेशन है, बैंकिंग सेक्टर से क्या रिलेशन? देखिए RBI ये सारे स्टेप्स क्यों ले रहा है, उसका टारगेट है कि बैंक जैसे ही लॉकडाउन कंप्लीट हो, तो बैंक के पास हो बहुत ही अच्छी लेंडिंग पावर। लेंडिंग पावर मतलब जैसे ही लेट्स से आपकी इकोनॉमी कंप्लीट होती है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हैं, उनको पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत सारे ऑलरेडी बैंकरप्सी फाइल कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑन द वर्ज हैं बैंकरप्सी के, और पैसे की जरूरत पड़ने वाली है मार्केट में। अब ये पैसे कौन देगा? सर ये पैसे बैंक्स प्रोवाइड करने वाला है और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करने वाली है। अब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अगर पैसे प्रोवाइड करने, तो उनके पास पैसे भी होने चाहिए, तो ये पैसे कैसे आएंगे? अब यार ये रिवर्स रेपो रेट होता क्या है? रिवर्स रेपो रेट होता है वो रेट जिससे जो बैंक रखती है RBI के लिए, तो उसका रेट अब घटा दिया, इसका मतलब अब बैंक को RBI के लिए कम रखना पड़ेगा। अब RBI के लिए अगर कम रखना पड़ेगा, तो वो पैसे अब वो रख सकती है कस्टमर्स के लिए, जो पोटेंशियल जो आपके बिजनेसेस रहेंगे, पोटेंशियल बिजनेस जो बहुत ज़्यादा डेंजर में रहेंगे बैंकरप्सी के, या बहुत ज़्यादा
करीब है पूरी तरह से बंद होने के, उनके लिए लेंडिंग के लिए उनके पास पैसे रहेंगे, और इसी की वो कोशिश कर रही है कि आरबीआई का यही टारगेट है ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी पंप करना बैंक्स में, बैंक्स में और इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। और ये कैसे किया जाएगा, जिसमें एक स्टेप लिया है रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज करके, तो अब वो पैसे वो लेंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो एक लिक्विडिटी का इन्फ्लक्स यहां पर देखने को मिला है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जैसे बैंक के पास रहेगी तो बैंक आगे वो लिक्विडिटी मार्केट में इंफ्यूज कर सकती है, जिससे मार्केट का जो सिनेरियो है जो अभी बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है लॉकडाउन के कंप्लीट होते, तो उसको थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बैंक को लेंडिंग पावर प्रोवाइड करना चाहती है आरबीआई, जिसमें से एक बड़ा स्टेप है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट वाली बात क्लियर है। इसके अलावा आरबीआई ने अभी 50,000 करोड़ का एक स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज प्रोवाइड किया है सर्टेन इंस्टीट्यूशंस को, सर्टेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को, जैसे कि नबार्ड, नेश एनएचबी और सिडबी, इन तीनों को 50,000 करोड़ का स्पेशल फाइनेंस पैकेज प्रोवाइड किया है सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन्फ्लक्स करने के लिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि इनको बहुत ज्यादा इफेक्ट ना हो इस लॉकडाउन के कारण, इकोनॉमी में स्लो डाउन जो आने वाला है उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना हो, इसके लिए लिक्विडिटी इन्फ्लक्स की जा रही है। ठीक है, तो 50,000 करोड़ का ये पैकेज, अब सिर्फ यहीं तक सीम, इतना देने से नहीं बात बनेगी, अब ये नहीं है कि लॉकडाउन लॉकडाउन तक ही आरबीआई स्टेप्स लेगी तो बात बन जाएगी, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद भी आरबीआई को एटलीस्ट कम से कम 2-3 महीने तक एक नैरो एक साइट रखनी पड़ेगी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सारे पीएसबी पे, कि वो कैसे काम कर रहे हैं और इनके लिए टाइम टू टाइम ऑन रेगुलर इंटरवल्स इस तरह के एक्शंस लेने पड़ेंगे, और इस तरह के लेंगे तो हमारी इकोनॉमी पूरी दुनिया में सबसे कम अफेक्ट होने वाली इकोनॉमी बनेगी, जो ऑलरेडी बहुत सारी, इवन आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने भी यही स्पेकुलेट किया है, यही प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया ऐसा देश होने वाला है जो पूरी जो अभी इकोनॉमी स्लो डाउन आने वाला है, जो डिप्रेशन इकोनॉमी में आने वाला है, उससे सबसे कम इफेक्ट होने वाली है। और उसका एक बड़ा एक और पॉजिटिव ये है कि आरबीआई बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही कंक्रीट एक्शंस ले रहे हैं। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी सुनते जाइए, वो सिर्फ आपके रिक्रूटमेंट के और बैंकिंग सेक्टर के इंप्रूव होने के रिगार्डिंग नहीं है, ये आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस में भी बहुत काम आने वाला है, और आगे आप इंटरव्यूज वगैरह देंगे तो उनमें भी हो सकता है आपसे पूछा जा सके। LCR लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है रिजर्व बैंक ने बैंक्स के लिए 100% से घटा के 80% कर दिया। अब आई होप आप सभी को एलसीआर पता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए, एलसीआर वो रेशियो होता है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, बैंक को अपने पास रखना पड़ता है इन केस मार्केट कोलैप्स होता है, इन केस मार्केट पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए तो सर्टेन फंड्स बैंक के पास होने चाहिए, जिससे वो अपने आप को एटलीस्ट रफली 30 दिनों के लिए सस्टेन कर सके। सस्टेन कैसे कर सकते हैं, मार्केट अगर पूरा कोलैप्स हो जाता है तो 30 दिनों के लिए बैंक अपने आप को सस्टेन करता हुआ, बाकी मतलब जैसे ही आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती, मार्केट आपका वोलेटाइल होता है, प्रॉब्लम आती है, तो बैंकिंग से ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए बैंक को सर्टेन रिजर्व रखना पड़ता है, वो रिजर्व होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अब ये रेशियो पहले 100% था, 100% पे सेट था, अब उसे घटा के 80% कर दिया। अब इससे फायदा कैसे हुआ, अब यार ये जो 100% वाली जो फंड्स थे ना, अब ये घटा के कम 80% हो गए, मतलब अब बैंक्स को ये रिजर्व कम रखने की जरूरत है, अब ये कम रखने की जरूरत है मतलब वहां से जो कम हुए हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, बाकी जिन लोगों को मार्केट में इन्फ्लक्स करने के लिए, लोगों को जो जरूरत पड़ने वाली है उनके लिए, तो ये जो सर्टेन जो बेसिक और स्टैंडर्ड जो रिजर्व्स रखने पड़ते थे बैंक्स को, उनकी अमाउंट घटाई जा रही है, जिससे वो अमाउंट यूज कर की जा सके, कि जितने भी स्मॉल फाइनेंसेस है, सॉरी स्मॉल बिजनेसेस हैं, जितने भी मार्केट में जो बहुत बड़ा जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आने वाला है उसको स्टेबलाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि बैंक्स को ज्यादा से ज्यादा लेंडिंग पावर प्रोवाइड की जाए। और इसके लिए आरबीआई ने 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं अभी तक, रिवर्स रेपो रेट, एलसीआर डिक्रीज करना घटाना, और अभी अभी 50,000 करोड़ का एक फाइनेंशियल पैकेज प्रोवाइड करना नबार्ड, सिडबी और एनएचपी को। अब इसी तरह के स्टेप्स भी आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। अब इससे हमें क्या मतलब है सर, ये बताइए। ठीक है, ये जीके के लिए अच्छा है, मे बी
बैंकिंग अवेयरनेस के लिए अच्छा है, पर रिक्रूटमेंट से कैसे रिलेटेड है? दोस्तों रिक्रूटमेंट से ऐसे रिलेटेड है कि इन स्टेप्स के कारण मार्केट स्टेबलाइज होगा, इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी तो रिक्रूटमेंट भी बढ़ेगा। अब जैसे जैसे बैंक्स जितना ज्यादा काम करेगा, जितने ज्यादा उसे जरूरत पड़ेगी उतना ही रिक्रूटमेंट क्रिएट होगा। इसके साथ साथ एक बात और है कि बहुत बड़ा जो अमाउंट है प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ओर शिफ्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा जो कैश इनफ्लो है वो प्राइवेट से पब्लिक की ओर देखने को मिला है, स्पेशली अगर आप मार्च का क्वार्टर पूरा देखें और इवन अप्रैल का जो स्टार्टिंग जो प्रिडिक्शंस अगर आप देखें। अगर आप कोई भी बिजनेस साइट्स फॉलो करते हैं, जैसे ये जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, आप इकोनॉमिक टाइम से पढ़ सकते हैं, इसी तरह से काफी अच्छे अच्छे रिलायबल है, वहां से टाइम टू टाइम बैंकिंग जो कॉलम्स है, बैंकिंग जो सेक्शन है उनसे पढ़ते रहिएगा। मैं ये नहीं बोला पूरे दिन पढ़ो, पर 15-20 मिनट उस टाइम को दीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आपको आगे बैंकिंग अवेयरनेस और मे बी इवन जीके में भी काम आ सकता है, ठीक है? तो मैं ये रिकमेंड करूँगा हाईली कि आप इन्हें फॉलो कीजिए, या तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, इस तरह के काफ़ी न्यूज़पेपर्स हैं जो आपको अच्छी अपडेट्स देते हैं, अच्छी न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग बैंकिंग सेक्टर। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, बैंकिंग सेक्टर सबसे कम इफेक्ट होने वाला है इवन इन दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कंप्लीटली शट डाउन है, पर बैंकिंग सेक्टर में अब भी एक्टिविटीज चल रही है, कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें डिजिटली की जाए और की भी जा रही है। सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टाफ अभी भी बैंक में बुलाया जा रहा है, ओवरक्राउडिंग नहीं की जा रही क्योंकि इससे खतरा रहता है कोविड के फैलने का, पर सॉरी कोरोना वायरस के फैलने का, पर 50% स्टाफ अभी भी वर्क कर रहा है, अभी भी जो मस्ट या फिर जो एसेंशियल ऑपरेशंस हैं वो कैरी आउट किए जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कैश ट्रांसफर्स है और बाकी इनफ्लोज जो है वो डिजिटली कंडक्ट करवाने की कोशिश की जा रही है, और अभी तक इसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी है। तो ये माना जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर इस पूरी इकोनॉमिक स्लोडाउन से, इस लॉकडाउन के कारण जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आने वाला है उससे लीस्ट अफेक्टेड होगा, और बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है पूरे के पूरे मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए। अब इसके लिए जरूरत पड़ेगी लोगों की, रिक्रूटमेंट्स की रिक्वायरमेंट आएगी। तो जो जो लोग आपको कह रहे हैं ना कि इस साल रिक्रूटमेंट नहीं आएगा, ऐसे काफी बार ऐसा होता है, काफी बच्चे कहते हैं कि सर पता नहीं पेपर होगा भी नहीं होगा, अब तो मेरा लास्ट साल है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, पेपर आपके होंगे, जो गिवन टाइम टेबल है मे बी उसमें ना, क्योंकि वो तो अब पॉसिबल हो नहीं सकता, ऑलरेडी आपने 1.5-2 महीने आपके खराब हो जाएंगे, तो वो भी मे बी पॉसिबल ना हो, पर आएंगे इस मंथ में ही। पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और अपने प्रिपरेशन पे अच्छे से फोकस कीजिए, अपने प्रिपरेशन पे अच्छे से फोकस कीजिए। अभी यूट्यूब पे मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं, क्वांट्स के लिए सिंगसर करवा रहे हैं प्री और मेंस का, और यूट्यूब पे मैं प्री का डेली 5 PM पे सेशन लेता हूँ, प्रैक्टिस सेशन रहता है जिसमें मेरा टारगेट रहता है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना, ठीक है? कंसेप्चुअल नहीं है वो, प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड है, और वहाँ पर हमारा टारगेट रहता है स्पीड और एक्यूरेसी दोनों एक साथ मेंटेन करना, ठीक है? इसके अलावा अकेडमी पे स्पेशल सेशंस लेता हूँ 12 PM पे हाई लेवल पजल्स का, और 8 PM पे मेरा प्लस का कोर्स चल रहा है मेंस के मिसलिनियस टॉपिक्स के कंसेप्ट्स प्लस प्रैक्टिस पे, मेंस के जो मिसलिनियस टॉपिक्स रहते हैं ना उनके कंसेप्ट्स और किस पे प्रैक्टिस पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी अनअकैडमी प्लस का, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरा जो प्रोफाइल है वो भी अनअकैडमी पे नीचे दिया होगा, आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे डेली सेशंस अटेंड करते हैं, नहीं करते तो मैं रिकमेंड करूंगा कीजिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, बहुत बढ़िया से जो जहाँ जहाँ आप लैग कर रहे हैं उसको आप आराम से कवर कर पाएंगे, ठीक है? अब इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में मत कीजिएगा, मे बी कमेंट सेक्शन के लिए मेरे पास टाइम ना रहे। आप इसके बजाय अगर स्पेसिफिक अच्छा डाउट हो तो, अननेसेसरी बात नहीं, कुछ अच्छी आपके पास क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मेरी जो ईमेल आईडी है वो है simplylearningmaths@gmail.com। अब वो जो मेल आईडी है वो भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको नहीं पता चला है तो नो इश्यूज, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहां पर आप अपनी क्वेरी मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।